गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 15 ज्योमेट्री। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। इसमें लाइन सेगमेंट एंड रे के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे। मैं आपको ये टॉपिक नोटबुक में भी लिखवाऊंगी ताकि कहीं बार होता है आप लोग बुक में से रीडिंग करने के बाद भी कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हो, मतलब माइंड में नहीं रख पाते हो। अगर मैं उसको फिलअप फॉर्म में या ऑप्शन वे में एग्ज़ाम में पूछती हूँ आपसे तो आप आंसर नहीं दे पाते हो, तो इसीलिए मैं इसको एक मतलब आपको नोट्स वे में शेयर करूँगी, आपको फिर नोटबुक में भी राइट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे लाइन। क्या होता है लाइन? इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज़ अ लाइन, ठीक है। अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ साइड, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। बस ये समझो क्या होता है लाइन। पहले ये देखो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। यहाँ पे इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज़ अ लाइन, उसने बोला है पी क्यू इज़ अ लाइन। पी क्यू एक लाइन है, ठीक है, ये क्यू है, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं जहाँ पे लाइन हो। इट कैन, लाइन क्या होती है अब हम पढ़ेंगे। एक इट कैन, अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ साइड, वो किसी भी लेंथ में बोथ साइड एक्सटेंड हो सकती है। जो एक लाइन होती है वो दोनों साइड जितनी मर्जी लेंथ में, अगर मैं यहाँ पे इतनी बड़ी लेंथ में एक्सटेंड कर दूँ और यहाँ थोड़ी सी लेंथ में एक्सटेंड करूँ, गलत नहीं होगा। हम लाइन को कितनी भी लेंथ में बोथ साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। ये देखिए, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जैसे पी क्यू मैंने एक लाइन बताई थी और फिर बताया कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है। दोनों साइड से जब एक्सटेंड हो सकते दोनों साइड क्या लगता है, इसलिए यहाँ पे एरो मींस ये दोनों साइड से क्या हो सकती है, एक्सटेंड, ठीक है। अ लाइन हैज़ नो लेंथ, लाइन की कोई भी लेंथ नहीं होती और ना ही एंड पॉइंट होता। लाइन की ना तो कोई लेंथ होती है और ना ही कोई क्या होता है, एंड पॉइंट। लाइन की ना ही लेंथ होती है और ना ही क्या होता है, एंड पॉइंट। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, ना तो लाइन का एंड पॉइंट होता है ना ही लाइन की लेंथ होती है, दोनों साइड आप कितने भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। सम टाइम अ लाइन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर एल, कई बार लाइन को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल दिख रहा है आपको। इन द एडजॉइनिंग फिगर एल इज़ अ लाइन, यहाँ पे मतलब कई बार एल को इस वे में लिख देते हैं छोटे वे में, तो इसका मतलब एल इज अ लाइन। अब हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में, ठीक है। क्या होता है लाइन सेगमेंट? अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन से लाइन का एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट, लाइन का एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज़ अ लाइन, पी क्यू क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। पी क्यू देखो एक लाइन सेगमेंट, आपको शो इसने बोला है पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, डिफरेंस देखो, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता बट लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता बट लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है। ए एंड बी आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ए एंड बी एंड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट ए बी के, ठीक है। ए एंड बी लाइन सेगमेंट है पॉइंट ए बी के। इट हैज़ लेंथ, उसकी लेंथ भी होती है। थस अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, अब बेटा ध्यान से सुनो, लाइन को मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि हम दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है वो पार्ट होता है लाइन का, उसका उसकी लेंथ होती है क्योंकि हमें उसका एंड पॉइंट पता होता है। देखो यहाँ दोनों साइड क्या है, डॉट होती है इसकी, इसके दोनों साइड क्या होती है, एरो, इसके दोनों साइड एरो होती है, इसके दोनों साइड क्या होते हैं, डॉट। इसका एंड पॉइंट हमें पता होता है, इसका लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं, इसलिए हमें इसको मेज़र कर सकते हैं इसकी लेंथ को। लेकिन हम इसकी लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जब हमें किसी का एंड पॉइंट ही नहीं पता तो हम किसको मेज़र कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है रे। रे क्या होता है? रे ऑफ लाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रे, जैसे आप सन की रे देखते हो। इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई इज़ अ रे, उसने एक्स वाई को एक रे बताया है।
ए इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द ए ऑफ एक्स वाई. जो ए है उसको वो इनिशियल पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है. क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट. जो रे होती है ना बेटा, वो इस तरह से होती है, इस तरह से, जिसका एक पॉइंट है. मतलब ये तो उसका फिक्स पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से तो स्टार्ट है. वो उसको हम आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं. मतलब इस एरो का मतलब है आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो. ठीक है, इस एरो का मतलब आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो. लाइन हैज़ टू टाइप. लाइन टू टाइप की होती है. लाइन कितने टाइप की होती है? टू टाइप की. एक तो स्ट्रेट लाइंस और एक कर्व्ड लाइन. कर्व्ड लाइन देखो, इसने ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके, ये कर्व्ड लाइन. स्ट्रेट लाइन जस्ट ऐसे होते हैं. ठीक है, लाइन होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जिसकी लेंथ नहीं होती. ठीक है, वो दोनों साइड से एक्सटेंड की जा सकती है. लेकिन नाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है लाइन का, जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है और दोनों साइड पे एंड पॉइंट होता है. हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं. रे क्या होता है? एक लाइट होती है, रे ऑफ लाइट, जैसे सन की. इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है. और टू टाइप, और जो एंडिंग पॉइंट होता है, जिसके आगे एरो लगी होती है, हम उसको आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. और लाइन टू टाइप की होती है, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन. स्ट्रेट लाइन ये है और कर्व्ड लाइन ये, इस तरह से. ठीक है, बस इतना सही आज आपके लिए है, यही आपको क्लियर करना है. ओके, जो आपको दिया जाएगा आज रिटर्न में, वो आपको फिर नोटबुक में राइट करना है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.